हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरभान आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम बुक्स इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और हम आ गए थे यहां पे हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी कि गांव में जितने भी जो है खेती वगैरह होती है, खेतों में काम करने के लिए लेबर तो चाहिए होते हैं, यानी कि श्रमिक। तो ये श्रमिक कौन प्रोवाइड करता था वहाँ करता है वहाँ पे करेगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ फॉर प्रोडक्शन, यानी कि देखो भूमि के बाद है ना जो श्रम है वही दूसरा सबसे बड़ा और सबसे आवश्यक फैक्टर है प्रोडक्शन में, यानी कि उत्पादन में। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, और फार्मिंग के लिए तो ना बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, और जो छोटे किसान होते हैं वो अपने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेतों में कृषि करते हैं। दस दे प्रोवाइड ए लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व, इस प्रकार वो अपने आप को अपने खेतों में काम करने के लिए जो लेबर चाहिए होती है वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं अपने आप को ही। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, वहीं दूसरी ओर जो मध्यम और बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं फार्म लेबर को, यानी खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को वो भाड़े पे ले लेते हैं और उनको खेतों में काम कराते हैं। लेट्स डिस्कस आइडेंटिफाई द वर्क बींग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 एंड अरेंज देम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और जो ये फार्म लेबरर है ना ये या तो कहाँ से आते हैं, उस फैमिली से आते हैं जिनके पास लैंड नहीं है यानी कि भूमि नहीं है, या फिर वहाँ उस फैमिली से आते जिनके पास बिल्कुल ही कम थोड़ा बहुत टुकड़ा होता है किसका, भूमि का। अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबर डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड, वहीं दूसरी ओर किसान के अलावा वहाँ पे फार्म लेबर है उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है उस फसल के ऊपर जो कि उस खेत में उगाई जाती है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम लेबर, बजाय इसके उनको क्या किया जाता है, उनको पेड किया जाता है वेजेज, यानी कि उनको मजदूरी प्रदान की जाती है फार्मर के द्वारा जो काम करते हैं वहाँ पे। वेजेज कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप्स, यह है मजदूरी या तो पैसे में दी जाती है या फिर क्रॉप का कुछ पार्ट दिया जाता है उसमें दी जाती है। समटाइम्स लेबर गेट मील्स ऑल्सो, कई बार लेबर को क्या मिलता है, खाना भी मिल जाता है उसके बजाय। वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और यह जो मजदूरी होती है यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चेंजेज होती रहती है। फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स, फसल से लेकर फसल तक, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, यानी कि हर क्षेत्र में हर फसल के हिसाब से और हर फार्मिंग एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग वेजेज होती है। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे जो रोजगार का जो काम है यानी कि टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी अलग है। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, एक लेबरर क्या है वो या तो डेली बेसिस पे भी लगाया जा सकता है और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, या फिर कोई खेत में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है उसके लिए लगाया जाता है, जैसे कि हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों को काटने की बात वो टाइम चल रहा तो उसके लिए भी फार्म को लेबरर को यानी कि श्रमिक को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं और या फिर उसको पूरा साल रख लेते हैं। डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, यहाँ पे डाला और रामकली है जो कि गांव के क्या है, पुअरेस्ट नेटिव है यानी कि बहुत ही गरीब लोग हैं गांव के। तो यहाँ पे पिक्चर 1.1 है, 1.7 है जिसमें कन्वर्सेशन दे रखे विद इन डाला और
रामकली के बीच में, तो उनकी कन्वर्सेशन है ये। ये देखो, तो यहाँ पे पहले कहता है ये, इट इज डिफिकल्ट, ये डाला बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, यानी कि इन दिनों काम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, केवल बड़े किसान हैं वही हमें भाड़े पे ले जाते हैं, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डे, और वो भी बहुत ही कम दिनों के लिए होता है, ज़्यादा दिनों के लिए काम भी नहीं होता खेत में। घनश्याम द लार्ज फार्मर्स हैज जस्ट बोट ए हार्वेस्टर, और वो कहती है अब ये रामकली की, जो घनश्याम नाम का जो बड़ा किसान है अपने गांव में, वो एक बहुत बड़ी हार्वेस्टर यानी कि बहुत बड़ी मशीन ले आया है फसल काटने के लिए। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर, तो कहते कि इसलिए इस साल तो है ना हार्वेस्ट के सीजन में भी हमें बहुत ही कम काम मिलेगा। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर द लेस देन 5 months इन द होल ईयर, यानी कि पिछले साल मुझे है ना केवल 5 महीने ही काम मिला था पूरे साल के दौरान। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर फॉर थ्रेसिंग, तो ये कहता है कि हमारे पास ट्रैक्टर है खेतों को जोतने के लिए, हार्वेस्टर्स है काटने के लिए, थ्रेसर है थ्रेसिंग करने के लिए, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी कि जो वीड्स है यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको भी निकालने के लिए। सम फार्मर्स स्प्रे मेडिसिन, कुछ फार्मर स्प्रे कर रहे मेडिसिन के लिए, ठीक है। एंड आई ओव द लोकल मनी लैंडर RS 2000, यानी कि और मैंने लोकल मनी लैंडर से 2000 रुपये लिए हैं। आई हैड टेकन 1000 लास्ट आवर, और पिछले गर्मियों में मैंने 1000 रुपये लिए थे। मैन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड, जब खेतों में कोई काम नहीं था। हाउ विल आई एवर रिपे, तो मैं कैसे इनको अदा करूँगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 square meals, यानी कि मुझे 2 वक्त का खाना के लिए भी पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है मेरे लिए। सो दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, तो ये कहते हैं कि इस साल मुझे भी है ना जो ईंटें बनाने वाला जो भट्ठा है वहाँ पे, यूनिट है वहाँ पे रायगंज में, वहाँ पे काम ढूंढना पड़ेगा। माय सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। ड्यू टू द पास्ट डेट द मनी लैंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, और पिछले कर्जों की वजह से मुझे क्या करा मनी लैंडर है जो साहूकार है, वो भी मुझे पैसे देने से यानी कि लोन देने से मना कर रहा है। ये कन्वर्सेशन है 2 मजदूरों के बीच में, एक डाला है और एक रामकली है। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन ए पालमपुर, यह एक फार्म लेबरर है जो डेली वेजेस पे क्या करता है पालमपुर गांव में खेती करता है, वो सॉरी मजदूरी करता है। दिस मीन्स दैट मस्ट रेगुलरली वर्क फॉर वर्क, इसके लिए यानी कि हर रोज के लिए काम मिलना चाहिए। लुक फॉर वर्क यानी कि हर रोज वो काम के लिए देखता रहता है। द मिनिमम वेज ऑफ वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाई गवर्नमेंट इज RS 300 पर डे, यानी कि ये जो मिनिमम लेबर है जो कि March 2017 में गवर्नमेंट ने जो सेट की थी 300 रुपये कर रखे पर डे, बट डाला गेट्स ओनली 160, लेकिन डाला को केवल 160 ही मिलते हैं। देर इज ए हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर इन पालमपुर, क्योंकि यहाँ पे फार्म लेबरर है जो पालमपुर गांव में जितने भी जो श्रमिक है काम करने के लिए खेतों में, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। डाला कंप्लेंस अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, डाला अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करता है रामकली को, हु इज अनदर फार्म लेबरर, जो कि अन्य क्या है फार्म लेबरर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, और ये दोनों ही क्या है गांव के गरीब व्यक्ति है दोनों के दोनों, ठीक है। लेट्स डिस्कस,
वाई आर फार्म लेबर लाइक डाला एंड रामकली पुअर। अब हमारे सामने क्वेश्चन यही आता है कि जो ये डाला और रामकली जैसे व्यक्ति है, वो जो श्रमिक है, वो इतने ज़्यादा गरीब क्यों है। गुसाईपुर एंड माजुली आर टू विलेजेस इन द नॉर्थ बिहार। गुसाईपुर और माजुली नाम के दो विलेज हैं नॉर्थ बिहार में, बिहार के उत्तर में। आउट ऑफ टोटल 850 हाउस होल्ड इन द टू विलेजेस, और इन दोनों गांव में 850 परिवार है, जिसमें से देर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा, जिसमें 250 से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पंजाब और हरियाणा या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर में काम करने के लिए, रोजगार के लिए गए हुए हैं। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। और इस प्रकार का जो माइग्रेशन है ना, विस्थापन है, बहुत ही कॉमन है बहुत सारे गांवों में। और आपने अभी भी देखा होगा, जब भी पैंडेमिक में देखा होगा, जितने भी ज़्यादा माइग्रेटर थे वो ज़्यादातर कहाँ से थे, यूपी या बिहार से ही थे, बिहार से बहुत ज़्यादा थे। वाई डू पीपल माइग्रेट, ये लोग अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में क्यों जाते हैं। कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन द वर्क, क्या आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके काम के बारे में। दैट द माइग्रेंट ऑफ गोसाईपुर माजुली माइट डू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो ये आपने काम करना है आज इस एक्टिविटी का, कि भाई ये लोग माइग्रेट क्यों होते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, आज हमने पढ़ा है लेबर, कल पढ़ेंगे हम कैपिटल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।